गणपति महोत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचलित हो चुका है। गणपति के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति महोत्सव शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बहुजनों के आंदोलन को दबाना था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के मिशन में अड़ंगा लगाना था। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के बहाने समाज सुधारों को रोकने की कोशिश की थी। तो आइए शुरू करते हैं। 19वीं सदी का भारत जाति के हिसाब से बुरी तरह बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, लेकिन शूद्र अतिशूद्र यानी दलित समाज बहुत बुरी हालत में था। शूद्रों और महिलाओं की हालत पशुओं से भी खराब थी। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जैसा सितारा चमका, जिसने इस देश को रहने लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फूले कहते थे कि इंसान और इंसान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फूले ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाते हैं। वो शूद्रों और अति शूद्रों को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। महात्मा फूले ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हैं, वो महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। फूले अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ मिलकर 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। फूले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति लाकर रख दी थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया, ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादी कराने की शुरुआत की, बाल विवाह के खिलाफ कैंपेन चलाया। वो जगह जगह जाकर पोस्टर चिपकाते थे, कैंपेन करते थे, स्लोगनिंग करते थे, लोगों से बात करते थे। अनाथ महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोले। दलित पिछड़ों के लिए शिक्षा पर भी जोर उन्होंने दिया। महात्मा फूले के ये काम ब्राह्मणवादी सत्ता को खत्म करने का काम कर रहे थे। सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की नींद उड़ा दी थी। ब्राह्मणों को लगता था कि अगर शूद्र अतिशूद्र पढ़ लिख लेंगे, सवाल जवाब करने लगेंगे, महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी, तो फिर उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। ब्राह्मणवादियों ने फूले को डराने धमकाने की खूब कोशिश की। फूले को मारने के लिए उनके घर ढोंडीबा जैसे हत्यारे को भी भेजा, जो बाद में फूले के ही अनुयायी बन गए। उन्हें घर से ही निकलवा दिया। समाज ने उनकी पत्नी यानी सावित्री माई पर गोबर फेंका, लेकिन वो झुके नहीं। धीरे धीरे फूले का असर सिर्फ पुणे में नहीं रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और आसपास के सूबों में भी दिखाई देने लगा। पुणे के ही नारायणपेट में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का हेडक्वार्टर था। तिलक एक कट्टर ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे, जो महात्मा फूले के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते थे। तिलक ने महात्मा फूले के आंदोलन को बदनाम करने, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू साबित करने और हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित किए, उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी। लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा फूले का असर कम नहीं हो रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जुटाने की चाल चली। आज भी आप देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आसानी से खींचे चले आते हैं, और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तिलक ने तब गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर लामबद्ध किया और गली मोहल्लों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने लगे। इस बारे में महान स्कॉलर गेल ओमवेट अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन ए कॉलोनियल सोसाइटी द नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और 64 पर लिखती हैं। तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन मेलों में गीत गाने वाले लोग ना सिर्फ अंग्रेजों और मुसलमानों का मखौल बनाते थे, बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी ऊटपटांग बोलते थे। तिलक महात्मा फूले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन सत्यशोधक समाज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखते थे। तिलक गणेश महोत्सव के नाम पर जुटने वाली भीड़ को महात्मा फूले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण देते थे। पता नहीं क्या क्या बातें बोलते रहते थे, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते थे। इस तरह उन्होंने धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। अब मैं आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाल गंगाधर तिलक के बीच चलने वाले मतभेदों के बारे में भी बता देता हूं कि ऐसे कौन से मसले थे, किन मुद्दों पर उन दोनों के बीच में मतभेद था और तिलक जो है वो महात्मा फूले को अपना दुश्मन मानते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते थे कि चार वर्णों पर आधारित जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है और इंसानों के बीच में जाति भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन तिलक चतुर वर्णीय जातिवाद के कट्टर समर्थक थे।
तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है, जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी तोड़ देना। तिलक ऐसा मानते थे। इनके मुकाबले आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपिता फुले हैं वो कहते हैं कि जाति जो है वो खराब चीज है। फुले जाति को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। तिलक ने फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वो राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। महात्मा फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में बांट दिया। वो कहते थे कि जिस तरह से बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। महात्मा फूले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी लगती थी। तिलक कहते थे कि सभी जातियों को अपनी जाति का ही काम करना चाहिए, यानी चतुर्वर्ण के हिसाब से, जातियों के हिसाब से लोगों को जो काम सौंपा गया है उन्हें वही काम करते रहना चाहिए। तिलक ने महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का सख्त विरोध किया और कहा कि केवल उन जातियों का स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी कि उच्च जातियों को। यानी तिलक दलित ओबीसी को इस लायक ही नहीं मानते थे कि उन्हें शिक्षा दी जा सके। वो सिर्फ ब्राह्मणों की सत्ता चाहते थे, चित्पावन ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मणवादी नजरियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के काम करते थे। फूले कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा हर जाति के बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन तिलक ने फूले के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुनबी किसानों के जो समाज के बच्चे हैं उनको इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए, यानी जो काम उनको दिया वही करना चाहिए, आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है। महात्मा फूले लड़कियों की शिक्षा पर खास जोर देते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं, लेकिन तिलक उसका कड़ा विरोध करते हैं। तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीखा प्रतिरोध किया और इसके खिलाफ कैंपेन किया और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में उन्होंने बाकायदा आंदोलन भी चलाया। द प्रिंट पर प्रकाशित अपने लेख में डॉक्टर मुख्तियार सिंह लिखते हैं, तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी क्षमता के साथ विरोध किया। परिमाला वी राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया है कि विष्णु शास्त्री, चिपलुणकर और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े ने 1881 से 1920 के बीच किस तरह बालिका विद्यालयों की स्थापना और हर समुदाय के लिए शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस धड़े के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने के प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इस धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की जिसमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन और हुनर सिखाने पर जोर दिया था। तिलक की लीडरशिप में कट्टरवादी धड़े का तर्क था कि पेशवा के शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के ये विचार उनके अखबार मराठा के 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। महिला शिक्षा के विरोध में तिलक का तर्क था कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनका काम सिर्फ संतान को आगे बढ़ाना है, इसलिए उनको शिक्षित करने से उनको पीड़ा होगी क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उनकी शक्ति से बाहर है। उनकी ये बात मराठा, जो उनका अखबार है, उसके 31 अगस्त 1884 के अंक में छपी है, उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। यानी उस समय महात्मा फूले और तिलक के बीच लगातार द्वंद्व चलता रहा। ऐसा ही द्वंद्व आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में भी देखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया और गांधी, रानाडे और जिन्ना में तिलक के इन समाज सुधारकों में अड़ंगा लगाने के बारे में विस्तार से लिखा है। वो उनको नायक नहीं मानते, उनको महान नहीं मानते और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि इस देश में महात्मा आए गए, धूल उड़ाकर चले गए, लेकिन अगर कोई असल मायनों में महात्मा है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। बाबा साहब ने जब 1920 में मूक नायक की शुरुआत की थी, अपना 15 दिनों में छपने वाला पाक्षिक अखबार निकाला था, तब उन्होंने पैसे देकर तिलक के अखबार केसरी में विज्ञापन भेजा था कि आप हमारे अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए कि हमारा ये अखबार शुरू हो रहा है, लेकिन तिलक ने उनका वो विज्ञापन नहीं छापा जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैसे भी चुका रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुजन समाज से आने वाली मजबूत आवाजों के नेताओं के कितने बड़े विरोधी थे। तिलक जो हैं सीधे सीधे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कैंपेन करते हैं, बुरा भला बोलते हैं और ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं।
तिलक ने आजीवन ऐसे काम किए हैं जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो और समाज में जरूरी सुधार ना हो सके, लेकिन भारत के सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें एक महान राष्ट्रवादी नेता घोषित कर दिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे कट्टरवादी ब्राह्मण ने बहुजनों के मुक्तिदाता महात्मा फूले का रास्ता रोकने के लिए धर्म का सहारा लेते हुए गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। असल में तो ये उत्सव बहुजनों की हकमारी करने का एक जरिया था, उसको रोकने के लिए उत्सव शुरू हुआ था, लेकिन अब बहुजन इसे ही जोर शोर से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बहुजन इन त्योहारों को मना रहे हैं वो इसके पीछे का इतिहास भी समझेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और अपने महापुरुषों और महामहिलाओं के संघर्ष को याद करते हुए ये सब दिमाग में रखेंगे कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या उनकी हकमारी करने के लिए काम तो नहीं हो रहा है। इस मसले पर आपका क्या सोचना है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, तिलक और महात्मा फूले के बीच का जो संघर्ष है उस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच के जो संवाद है, जो टकराव है, उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं उन्हीं के समकक्ष जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो भी उसी तरह उनके साथ झड़प में थे, उनके साथ द्वंद में थे, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। इसलिए मुझे लगा कि अब चूँकि ये ज़रूरी माहौल है उसमें आपको ये बात बतानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप हमारी ताकत हैं और हमें और ताकतवर बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।